मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अब हर समाज सक्रिय हो गया है। विभिन्न सामाजिक संगठन प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम कर संख्या के आधार पर राजनीतिक हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं। प्रांतीय कुशवाहा समाज भी 10 सितंबर से भोपाल के टीटी नगर दशहरा मैदान में कुशवाहा महासंगम कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है, जिसमें कुशवाहा समाज के साथ माली, शाक्य, सैनी और मौर्य समाज के लोग शामिल होंगे। कुशवाहा संगम कार्यक्रम में समाज के प्रतिनिधि राजनीतिक दलों को अपनी सियासी ताकत दिखाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष योगेश मान सिंह कुशवाहा ने बताया कि प्रदेश कार्य समिति ने तय किया है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस कुशवाहा समाज के राजनीतिक जनप्रतिनिधियों को चुनावी मैदान में हिस्सेदारी तय कर प्रत्याशियों का चयन करे। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। योगेश मान सिंह कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष प्रांतीय कुशवाहा समाज मध्य प्रदेश। आगामी 10 सितंबर 2023 को स्थान टीटी नगर दशहरा मैदान में कुशवाहा समाज का महासंगम होने जा रहा है। इस महासंगम में हम आज कुशवाहा समाज के जो जनसंख्या है मध्य प्रदेश में वो करीब 80 लाख है। आज 76 साल आज़ादी के बीत जाने के बाद भी इस समाज को जनसंख्या के अनुपात में कोई भी राजनीतिक दल ने हिस्सेदारी नहीं दी, तो कुशवाहा महासंगम के माध्यम से हम सभी राजनीतिक दलों के जो सत्ता में पार्टी, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, सभी को प्रतिनिधि मंडल के रूप में जाके आमंत्रण सौंप के उनको कार्यक्रम में आने के लिए आमंत्रित करेंगे। और जो पार्टी जनसंख्या के अनुपात में कुशवाहा समाज को हिस्सेदारी देगी मध्य प्रदेश 2023 में, उसी की सरकार बनेगी। कुशवाहा जी, हाल ही में मध्य प्रदेश देखिए वो एक वर्ग विशेष का सम्मेलन होकर रह गया है। वो भारतीय जनता पार्टी का महाकुंभ था और ये महासंगम है, तो ये सारे लोगों को जोड़ने का प्रयास है और सभी को साथ लाने का प्रयास है, तो ये महासंगम है, वो महाकुंभ था। दोनों पार्टियों से हम जनसंख्या के अनुपात में 25-25 टिकट की हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, जो कि मिलना चाहिए। अन्यथा हमारा तो यकीन आ रहा है 50 सीटों पर कैंडिडेट लड़ाएंगे। एक वोट सो का नोट अभियान चलाकर हमने जारी भी कर दी, वेबसाइट भी बना ली है, हम हमारा काम जारी भी कर चुके हैं और जो भी कैंडिडेट्स हैं पूरे प्रदेश में उनका बायोडाटा भी आना हमारे पास शुरू हो गया। अगर हमारी बात नहीं जमती है तो हम 50 सीटों पर कैंडिडेट उतारेंगे। हाँ, सभी पार्टी के लोगों को शामिल करेंगे, प्रयास करेंगे सभी लोग आएँ। पिछली बार बीजेपी ने कराया था तो बीजेपी के लोग शामिल नहीं? नहीं, इसमें हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम सभी राजनीतिक पार्टी के लोगों को बुला के हम हमारी ताकत का एहसास कराएं, उनको जनसंख्या के अनुपात में हम मंच से हमारी हिस्सेदारी की बात होए। ये लड़ाई जो है वो मान सम्मान स्वाभिमान प्रतिष्ठा की लड़ाई है। ये कितनी संख्या में लोग इकट्ठा होंगे 10 तारीख को? देखिए हमारा तो प्रयास रहेगा पूरे मध्य प्रदेश में जो जनसंख्या है करीब 80 लाख है, हम तो चाहते हैं कि पूरे ही लोग महाकुंभ महासंगम में इकट्ठे हों, बाकी जितने भी लोग आ सकते हैं महासंगम में सारे लोग, सारे राजनीतिक दलों के लोग, हमारे समाज के जो भी जिस पार्टी में भी काम कर रहे हैं या जिस पार्टी में नेतृत्व कर रहे हैं, हम सभी को आमंत्रित कर रहे हैं कि महासंगम में सभी लोग शामिल होकर महासंगम को सफल बनाएं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रांतीय कुशवाहा समाज, पूर्व अध्यक्ष हिंदू समिति भोपाल, ये साक मोर कुशवाहा समाज का महासंगम का कार्यक्रम 10 सितंबर टीटी नगर दशहरा मैदान में आयोजित किया गया है। इसमें सभी दलों के जो हमारे विधायक है, वर्तमान में पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, सब लोग सम्मिलित हैं, सभी का हमको सहयोग है, सबने आने के लिए हमें कार्यक्रम में स्वीकृति मिल गई है। इसमें मौर्य समाज के, माली समाज, कुशवाहा समाज, साक समाज, ये सारे समाजों का एक है प्रोटोकॉल और सभी एक समाज के अंदर आते हैं। जब भी कोई संगठन बनता है तो सब समाज के लोग, हम लोगों का संगठन एक कार्यक्रम करता है, उसी संगठन के तहत में ये कार्यक्रम भोपाल में रखा गया है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पधारेंगे और हम अभी भी करते हैं। अगर समाज के लोग कभी समाज कार्यक्रम में नहीं आए तो फिर कहाँ जाएंगे? दूसरों की गुलामी में लोग चले आते हैं, दिन दिन भर भूखे मरते हैं और अपने खर्चे से आते हैं। उन्हें समाज के कार्यक्रम में हम अपील करते हैं, उनको आना चाहिए, अपने स्वयं के खर्चे से आना चाहिए। ये जो कार्यक्रम है संगठन की तरफ से हो रहा है,
सारे लोगों से सहयोग लेके सहयोग से किया जा रहा है। जो पहले महाकुंभ की जो बात हुई थी वो सरकार की तरफ से आयोजित किया गया था, उसमें जो हमारे लोगों को जो दूर दलों के लोग नहीं बुलाया गया। एक अंदाजन संख्या कितनी लगभग होगी? अब अंदाजन संख्या का तो ये है, कभी तो 5 से 10 हज़ार 50 हज़ार भी हो सकते हैं। मानो लगभग क्या है कि जनसंख्या इसलिए नहीं, क्योंकि राजनीतिक दल हमारे समाज को बरगलाने का काम बहुत करते हैं, हमारे नेता भी बहुत काम करते हैं, ऐसे नेताओं से सावधान रहना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।